आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 Classes में, और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ SBI ट्री का जो अभी क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसके लिए जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली, काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एनालिसिस तो आपने करा दिया, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, स्टेट वाइज, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी वाइज, हार्ड शिफ्ट, लो शिफ्ट, ठीक है, जो भी एग्जाम हुए नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल अगर चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, डेली आपको कंटेंट मिलता रहेगा, जैसा कि हर एग्जाम का एनालिसिस आप लोग देख रहे ही होंगे। और अगर आप नहीं भी देख रहे तो एक बार चैनल पर जाइए और जरूर देखिए, चाहे किसी भी चीज का एग्जाम हो आपको फुल एनालिसिस एग्जाम सेंटर से लाइव मिलता है हमारे चैनल पे। विदिन जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम देने आते हैं बिल्कुल लाइव एनालिसिस कराया जाता है हमारे चैनल के द्वारा, जैसा कि आप सबको पता भी है, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी पता है, जो लगातार हमको देख रहे हैं उनको तो पता ही है। अगर आप नहीं देख रहे तो आप भी जरूर चैनल पर देखना। तो जैसे SBI क्लर्क की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं स्टेट की बात करूं, स्टेट वाइज दोस्तों इसमें कट ऑफ मैंने बता रखी है। जैसे यूपी की कट ऑफ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यूपी की जो जनरल की कट ऑफ है वो 78 से 83 जा सकती है। उसके बाद ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की भाई 80 से आपकी 83 जा सकती है। उसके बाद में एससी की बात करूं तो इसकी जा सकती है भाई 75 to 80, और एससी की जा सकती है दोस्तों 70 to 75 के जाने की चांसेस हैं। हरियाणा की दोस्तों कट ऑफ, देखिए ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लोगों के रिव्यू के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग कैसे हैं सर ये नहीं जाएगी कट ऑफ, वो नहीं जाएगी, कमेंट्स करते हैं फिर, तो ये आप लोगों ने जो एग्जाम सेंटर बताया उसी के आधार पर, आप लोगों ने जो रिव्यू दिया उसी के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ बनाई गई है। कितने लोग वहां प्रेजेंट थे, कितने लोग वहां एब्सेंट थे, इन सबके अकॉर्डिंग, इन सबको ये आधार बना के मैंने ये कट ऑफ आप लोगों के लिए निकाली। काफी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बस इतना आपसे काम है। शुरुआत में दोस्तों आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है क्योंकि बाद में तो लोग वैसे भी जुड़ जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो चलिए बात करता हूँ हरियाणा की, मैं बात करूँ हरियाणा की भाई 74 to 80 जाएगी इसकी कट ऑफ जनरल की, और उसकी ओबीसी की मैं बात करूँ तो ओबीसी की भाई जाएगी दोस्तों 70 to 75, और एससी की मैं बात करूँ तो एससी की जाएगी 65 to 70, और एसटी की मैं बात करूँ तो 60 मान के चलिए 65 जाने वाली है। एमपी की मैं बात करूं तो एमपी की कट ऑफ 79 to 85 के बीच में रहने वाली है। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की भाई 80 to 85 मान सकते हैं, ठीक है। एससी की मैं बात करूं तो 75 से 80 रहने वाली है, और एसटी की मैं बात करूं तो 70 to 75 रहने वाली है कट ऑफ। पंजाब की मैं बात करता हूं तो पंजाब की कट ऑफ भाई दोस्तों 70 to 75 रहेगी ओबीसी की, 73 से 78 आपकी रहेगी जनरल की। एससी की मैं बात करूं तो एससी की कट ऑफ भाई 65 to 70, और एसटी की बात करूं तो भाई 62 to 65 रहने वाली है। राजस्थान की मैं बात करता हूं तो 75 से लेकर 70, देखिए जो ये तो कटाव है दोस्तों 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे होगा, लगभग अराउंड इसी के रहने वाला है। राजस्थान की बात करूं तो 75 to 80 रहने वाली है। ओबीसी की मैं बात करता हूं तो इसकी भी दोस्तों 70 to 76 रहने वाली है, और अगर एससी की बात करता हूं तो एससी की भी दोस्तों 65 to 72 इसकी कटाव रहने वाली है, और एसटी की बात करता हूं तो इसकी 65 to 68 इसकी कटाव रहने वाली है। दिल्ली की 81 to 86 दोस्तों जनरल की कट ऑफ जा सकती है, ओबीसी की बात करूं तो 80 to 85, और उसके बाद एससीएसटी की बात करूं तो 75 to 80, और एसटी की मैं बात करता हूं तो यहां पर इसकी कट ऑफ 70 to 75 रहने वाली है। असम की बात करते हैं दोस्तों लगभग देख के चलिए, जैसे कि हर शिफ्ट की जो कट ऑफ मैं बता दूं, असम की भाई जनरल की 66 to 73 रहने वाली है, गुजरात की 62 to 68 रहने वाली है, कर्नाटक की 62 से 67 रहने वाली है, केरला की 78 से 84 रहने वाली है। और जो दोस्तों ओबीसी वगैरह की जो कट ऑफ उसमें से आपके समझ के चलिए 4 से 5 नंबर का डिफरेंस सभी में रहने वाला है, 4 से 5 नंबर का डिफरेंस सभी में रहने वाला, आप इतना मान के चलिए। अरुणाचल जो अंडमान निकोबार दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमेशा की तरह इस बार भी जो इसका जो कट ऑफ लो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा नक्सल वाला एरिया है तो यहाँ पर लोग कभी फॉर्म भरते हैं जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ लो चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसकी जनरल की वही दोस्तों इसकी कट ऑफ जा सकती है आपकी 65 to 70 वही, छत्तीसगढ़ की 74 to 79, महाराष्ट्र की 63 से 70, उड़ीसा की 79 to 83, तमिलनाडु दोस्तों 60 से 66 ये भी आपका सेफ जोन है, और इसके बाद अंडमान निकोबार भी आपका सेफ जोन है। उत्तराखंड की दोस्तों 79 to 84 जा सकती है, वेस्ट बंगाल के दोस्तों 77 से 82 ये जनरल की दोस्तों कट ऑफ जा सकती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी धमाकेदार वीडियो जो आपको काफी ज्यादा मोटिवेट करने वाली वीडियो, सभी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है जैसा कि आप लोग सभी जानते भी हैं। तो फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।